नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैक अड्डा में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साइंस का एक नया चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। तो जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था, जब पीरियाडिक क्लासिफिकेशन हम पढ़ा रहे थे, तो कि मेटल हमारा जो होता है, तो पीरियाडिक क्लासिफिकेशन में लेफ्ट साइड में क्या होता है, मेटल होता है, और राइट साइड में नॉन मेटल होता है। ठीक है ना, 91 मेटल बताए थे, कुछ 7 मेटलाइड थे, और बाकी जो 20 बच्चे थे ये क्या थे, नॉन मेटल थे। तो आज आइए उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलाइट क्या होते हैं। तो सबसे पहले मेटलों की क्या करते हैं, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की और नॉन मेटल की। तो पहला क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। या भौतिक गुण। तो सबसे पहले मेटल का देखते हैं। तो मेटल का पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि ये मेटल सॉलिड होते हैं, और ये इनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, शाइनिंग होती है या चमकदार। तो सरफेस इनकी कैसी होती है, चमकदार होती है या शाइनिंग प्रॉपर्टीज की होती है। तो इस शाइनिंग सरफेस को क्या बोलते हैं, धात्विक चमक बोलते हैं या सरफेस लिस्टर बोलते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि हम किसी भी मेटल को पीट कर उसको एक चादर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या शीट के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलाबिलिटी बोलते हैं या आघात वर्धनीयता बोलते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि हम दूसरी क्या हो गई, मैलाबिलिटी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है किसी भी धातु को या किसी भी मेटल को हम खींच के उसे वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे बोलते हैं डक्टिलिटी, या इसे बोलते हैं तन्यता। तो किसी भी धातु में या तो सरफेस शाइनिंग की प्रॉपर्टी होगी, उसमें मैलेबिलिटी होगी, उसमें डक्टिलिटी होगी, ये प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। जो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी या तन्यता। वायर के ऊपर पीवीसी की कोटिंग की जाती है, ये क्या थी, एक और प्रॉपर्टी है। जब कोई मेटल किसी भी सरफेस से टकराता है तो उसे आवाज आती है, उस आवाज को क्या बोलते हैं, सोनरस। क्या बोलते हैं, सोनरस। तो मेटल में सोनरस की प्रॉपर्टी होती है। तो कभी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शीट में कन्वर्ट करने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तो मैलेबिलिटी। जब हम किसी मेटल को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तो डक्टिलिटी बोलते हैं। किसी धातु से टकराने पे जो आवाज आती है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, सोनरस प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है ना, और एक और चीज बताया हूँ कि वायर के फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है, वायर के ऊपर एक कोटिंग की जाती है, जो इलेक्ट्रिक वायर सप्लाई होती है तो वो पीवीसी की कोटिंग की जाती है या फिर कोई फाइबर की कोटिंग की जाती है। तो ये क्या था, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं नॉन मेटल की फिजिकल। तो नॉन मेटल में जस्ट इसी का उल्टा होता है, पहली चीज तो ये चमकदार नहीं होती है, धूसर होती है, धूसर मतलब कि डार्क होती है। दूसरी चीज, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है, जरूरी नहीं कि सॉलिड हो, कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है ना, अब इनकी धातुओं की कंपेयर में अधातुओं की संख्या कम है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि एक ब्रोमीन, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बाकी अधातु ब्रोमीन के अलावा बाकी कोई भी लिक्विड स्टेट में नहीं पाई जाती है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो ये क्या थी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी थी। तो नॉन मेटल में कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, नॉन मेटल में यही कि इनका रंग शाइनिंग नहीं होता या धूसर होता है, या इनको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है कि इनको इस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनको जानना ज्यादा जरूरी नहीं होता है। ठीक है ना, अब कुछ एक्सेप्शन देखते हैं, जैसे कि एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन, सभी धातु या सभी मेटल सॉलिड होते हैं, केवल एक्सेप्शन में क्या है, Hg, पारा एक ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है ना, और एक दो चीज बताया था, सीजियम तथा गैलियम, ये दो धातु ऐसी होती हैं कि ये इनका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बहुत कम होता है,
मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का मतलब कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में ये लिक्विड स्टेट में रहती है, ठीक है ना। आप हाथ में जैसे ही लेंगे तो आपको ये मेल्ट हुई मिलेंगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में इनको बहुत लो टेम्परेचर है। मेल्टिंग टेम्परेचर मतलब जैसे बर्फ, बर्फ जैसे ही आप एटमॉस्फेयर में ले लो तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ये सीजियम तथा गैलियम होती हैं जो लिक्विड लो टेम्परेचर में क्या हो जाती हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाती हैं या मेल्ट हो जाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज है, सभी अधातु या नॉन मेटल साइनिंग नहीं होते हैं, मतलब धूसर होते हैं, उसमें एक आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन कैसी प्रॉपर्टी रखता है, साइनिंग प्रॉपर्टी रखता है। स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, ये कैसी प्रॉपर्टी इसको रखता है, साइनिंग करता है, ठीक है ना। और तीसरा, सभी नॉन मेटल धूसर होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, जो इनकी हार्डनेस बहुत कम होती है, बट कार्बन एक ऐसा है जिसका अपर रूप एक डायमंड होता है, जो कि हार्डेस्ट मटेरियल है। क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल है, सबसे हार्ड मटेरियल अगर कोई पूछता है तो कौन है, डायमंड है, और हीट का सबसे बड़ा कंडक्टर है। हीट का सबसे बड़ा कंडक्टर कौन है, डायमंड है। और डायमंड के कार्बन के बहुत अपर रूप पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अपर रूप को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं, जो अलग अलग फेज में पाए जाते हैं, अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपर रूप बोलते हैं, जिनकी केमिकल और प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, एलो ट्रॉप बोलते हैं। अपर अगली प्रॉपर्टीज हैं कि ये मेटल क्या होता है, मैं पहले बताऊं, हार्ड होता है, बट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन से धातु को हम चाकू से काटे जा सकते हैं, तो सोडियम तो पहले था, अभी भी है, बट ऑप्शन में अब आने कम हो गए हैं, अब आपको लिथियम और पोटेशियम मिलेंगे। तो इन दोनों में से कि किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज बताया था कि धातु के ऑक्साइड, जो मैं पिछली क्लास में ही बताया था कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं ये किस नेचर के होते हैं, अभी जस्ट पिछला लेक्चर में पढ़ाया हूं, तो ये बेस नेचर के होते हैं, और अधातु ऑक्साइड एसिडिक, ये किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये इनकी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम शुरू क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, किसके, मेटल का। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी मेटल को बर्न करते हैं तो क्या, बर्निंग ऑफ मेटल, या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, धातुओं का दहन। जब मेटल, किसी भी मेटल को बर्न किया जाता है, मेटल बर्न करने का मतलब कि ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो ये रिएक्शन करने के बाद मेटल का ऑक्साइड बनाता है, क्या मैं बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। तो मेटल को बर्न करने में मेटल ऑक्साइड बनाता है, और ये बना, अब ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड से तथा बेस से दोनों से रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं, मेटल, ऐसे मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के जो एसिड प्लस बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, मतलब दोनों का साल्ट बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी या एम्फोथेरिक ऑक्साइड, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे बोलते हैं। तो इसके लिए एक, मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, मान लीजिए एक एल्युमिनियम को मैंने लिया, क्या एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाया, एल्युमिनियम के ऑक्साइड का क्या फार्मूला है, Al2O3।
इसका रिएक्शन जब हम एक एसिड से करवाते हैं, किससे? हाइड्रोक्लोराइड से, तो ये क्या करता है कि एक एल्युमिनियम का साल्ट बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड, और साथ में वाटर को रिलीज करता है उसका H2O, ठीक है ना। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस में 6 हाइड्रोजन और वाटर का 6 हो गया, तो ये 3 2 6, एक एल्युमिनियम तो 2, यहाँ पे 2 Al, ये अपना हो गया बैलेंस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या हो गया, साल्ट। ये किससे रिएक्शन किया, एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ। अब देखिए मैं इसको क्या एक बेस के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, एक बेस ले लेते हैं NaOH। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करता है तो ये क्या बताता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है NaAlO2, फिर से ये क्या निकालता है, वाटर को रिलीज करता है। तो इन दोनों के केस में क्या कर रहा है, ये साल्ट ही बना रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, एम्फोथेरिक। तो आपको क्वेश्चन में क्या देगा कि निम्न में से कौन से एम्फोथेरिक ऑक्साइड हैं, या निम्न में से कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो Al2O3 एम्फोथेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है ना। और ये बर्निंग के साथ में मैं बता देता हूँ ऑक्सीजन से रिएक्शन, क्योंकि कुछ मेटल ऐसे हैं इसमें, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, जो ऑक्सीजन से बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये क्या होते हैं, जल उठते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि किस मेटल को केरोसिन में रखा जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम को क्यों रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये जल उठते हैं। कुछ मेटल और हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद अपने आप में क्या कहलाते हैं, एक ऑक्साइड की परत चढ़ा लेते हैं, एटमॉस्फेयर पे रखे हुए हैं। इनमें जैसी ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो वो उसमें क्या हो जाती है, एक कोटिंग बन जाती है उसके ऑक्साइड की। अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिंक है तो जिंक ऑक्साइड की। और ये ऑक्साइड की परत क्या करती है, उनको फिर से और ऑक्सीकृत या ऑक्सीडाइज होने से रोकती है। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये अपने आप को डिफेंस करती हैं, ये सेल्फ डिफेंसिंग प्रॉपर्टीज कहलाती हैं इनके लिए, ठीक है ना। और एक तीसरा, Ag और Au किसी भी अवस्था में ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी मेटल है जो ऑक्सीजन से बिल्कुल रिएक्शन नहीं करती है, तो कौन सी, Ag और Au, मतलब सोना और चांदी, इनमें ऑक्सीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे देखते हैं वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। ये वर्णन एक चीज इसमें देखिए, एल्यूमिनियम में क्या होता है, एक एनोडाइजिंग प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम की परत चढ़ जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, एनोडाइजिंग होती है। अब इसमें परत चढ़ाने की एक स्पेशल मेथड होती है, वो अपन लोग बाद में देखेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मेटल रिएक्ट विथ वाटर, मेटल का वाटर के साथ में क्या रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ नहीं, जैसे ही मेटल आता है वहां से वाटर से रिएक्शन करता है, वाटर में मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, और ये मेटल ऑक्साइड फिर से आके इसी वाटर से रिएक्शन करता है, और मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लेता है। मेटल का क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मेटल जो है वाटर से रिएक्शन करने पर प्राइमरी स्टेज में क्या बनाता है, तो प्राइमरी स्टेज में क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। देन आफ्टर फिर से क्या बनाता है, पानी से फिर से रिएक्शन करता है, फिर से वाटर से रिएक्शन करता है, और मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो सेकेंडरी स्टेज में क्या बना लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे कि मैं एक पोटेशियम का रिएक्शन H2O से करवाता हूँ, तो ये क्या बना लेता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है ना। मैं सीधे सेकेंडरी स्टेज की लिख रहा हूँ प्रोसेस, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है ना। सोडियम ले लो तो क्या NaOH बना लिया, और हाइड्रोजन गैस को, ठीक
रिलीज कर दिया, ठीक है ना। तो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाता है, उसका हाइड्रोक्साइड बनाता है जिस मटेरियल का होता है। अब इसमें क्या है कि कुछ स्पेशल, ये तो वाटर का मतलब वाटर तीन फेस में होता है, या तो हार्ड वाटर होगा, हार्ड वाटर या कोल्ड वाटर होगा, या तो स्ट्रीम फॉर्म में होगा। तो तीनों की अलग अलग कंडीशन में कुछ मेटल अलग अलग रिएक्शन करते हैं। जैसे मैग्नीशियम के Mg कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता, केवल हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम किस तरह की, या हॉट वाटर से कौन सी मेटल रिएक्ट करता है, तो कौन है, Mg है, ठीक है ना। ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बनाता है, ठीक है ना। कुछ होते हैं, ये दूसरा Al, Fe और जिंक, ये ना तो हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं और ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, बट ये वाटर के स्टीम फॉर्म में आते ही उनसे ये रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये किससे करते हैं, इनके स्टीम फॉर्म में रिएक्शन करते हैं और उन्हीं के ऑक्साइड बना देते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेगा, लोहा रिएक्ट करेगा तो लोहे का ऑक्साइड बना लेगा। जनरली आप देखेंगे कि जंग लगती है, तो जंग लगने में क्या होता है, जब मॉइस्चर कंटेंट आता है, मॉइस्चर मतलब एयर में जो स्टीम के फॉर्म में ही ये वाटर यहाँ पे अवेलेबल होता है, तभी जंग लगता है। अगर डायरेक्ट आप लोहे को पानी में डाल के रखेंगे तो उसमें जंग कभी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये क्या था, इनकी रिएक्शन, आप इनकी रिएक्शन बताने की जरूरत है नहीं, एक एल्यूमिनियम के कहेंगे तो बता देंगे। H2O से रिएक्शन करता है तो Al2O3 बना के हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। केमिकल इक्वेशन आप बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस ये बैलेंस ही हो गई, ठीक है ना। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ठीक है ना। अब कुछ मेटल होते हैं जो बिल्कुल नहीं करते, न ठंडा न गर्म, उनके पास कोई वो नहीं चलता है। जैसे कि अच्छी धातुएं, लेड, Au, Ag, कॉपर, ये वाटर से कैसे भी रिएक्शन नहीं करती, वाटर के साथ कैसी भी रिएक्शन नहीं करती हैं। तो ये चार धातु आपके क्वेश्चन में आ सकती हैं कि कौन कौन से मेटल हैं जो वाटर से बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये था वाटर के साथ रिएक्शन। अब आगे देखते हैं एसिड के साथ। तीसरा है मेटल रिएक्ट विथ एसिड, या धातु का अम्ल के साथ में अभिक्रिया। तो जब किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो मैंने प्रीवियस ही लेक्चर में बताया, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है, या जब एसिड बेस हम पढ़ रहे थे कि एसिड का मेटल के साथ, तो क्या बनाता है, एक साल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक। ये था हमारा एक जनरल इक्वेशन, पर क्वेश्चन यहां से तो पूछेगा तो तुम्हें एसिड बेस का हो जाएगा, तो जिसका नाम HNO3, ये मेटल से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रांग या प्रबल ऑक्सीकारक है, जिसके कारण यह हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन और देके क्या बना देता है, H2O में कन्वर्ट कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसा, कौन सा कंपाउंड या कौन सा एसिड है जिसके मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद H2O प्रदान करता है, तो केवल कौन बताएगा, एक कौन होगा, HNO3, या इसी को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये नाइट्रिक जब एसिड पढ़ ही रहे हैं तो एक नाम है एक्वारेजिया। ये आपको पता है ना कि एसिड में क्या होता है कि किसी से रिएक्शन करने के बाद हीट को रिलीज करता है, तो एक एक्वारेजिया नाम का होता है एक्वारेजिया। इसमें होता क्या है कि ये दो प्रकार के एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। देखो, जब हमें कोई हार्ड मेटल जैसे कि प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, इनको अगर मेल्ट करना है तो इनके लिए एक एसिड सफिशियंट नहीं होता है, ठीक है ना। ना तो अकेले HCl में दम है कि वो कर ले, और ना अकेले HNO3 में या नाइट्रिक एसिड में, अकेले इसमें भी दम नहीं है, पर एक
उंगली और दो उंगली जब दोनों मिल गई और पावरफुल हो गई, तो 3:1 में कौन कौन HCl और HNO3 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया बोलते हैं। हमेशा पूछता है कि एक्वारेजिया क्या है, तो क्या है? HCl और HNO3 का मिक्सर है, किस अनुपात में? 3:1 में। ध्यान ये रखना है कि कभी कभी वो क्वेश्चन में पलट देता है, पूछता है कि HNO3 कितना होता है, तो उसका 1:1 और HCl का 3:1। तो अगर आपसे बोल दे, क्वेश्चन भी दे दे कि HNO3 और HCl का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे पलट जाएगा, तो 1:3 हो जाएगा। मतलब ज्यादा कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कम कौन होता है? HNO3। ध्यान में रखना दोनों कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र HNO3, ये दोनों मिलाने के बाद क्या बनता है? एक्वारेजिया। और इसमें इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि प्लेटिनम और सोने जैसे धातुओं को ये या मेटल को मेल्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या पढ़ा? एक्वारेजिया पढ़ा। अब आते हैं कि साल्ट सॉल्यूशन के साथ इनकी रिएक्शन कैसी होती है। किसी साल्ट के सॉल्यूशन से मेटल कैसा रिएक्ट करता है? कोई मान लो एक के मेटल एक्स है, ठीक है ना, कोई एक्स मेटल एक वाई के साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, तो रिएक्शन करने के बाद सीधे इसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होती है, एक्स को वाई रिप्लेस कर देता है और वाई फ्री हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे बना देता है एक्स का साल्ट सॉल्यूशन बना देता है और यहाँ पे वाई फ्री हो जाता है। इस रिएक्शन में और कुछ नहीं जानना है, ठीक है ना। तो पूछ जा सकता है कि मेटल जब साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो किस प्रकार की रिएक्शन होती है, कैसी? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, तीसरी और कोई दे देगा, एडिशन, कॉम्बिनेशन, जो भी होगा। तो कैसी रिएक्शन हो रही है? डिस्प्लेसमेंट। यहां सीधे x y को क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट कर देता है। तो ये 4 से 5 प्रकार के हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, इतनी बहुत है। अब आते हैं थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, देखते हैं कि कोई भी मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एक्टिव कौन है, सबसे फास्ट रिएक्शन किसकी होती है। तो पूरे मेटल में सबसे ज्यादा फास्ट होता है हमारा पोटेशियम। ध्यान में रखना ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है, तो कौन है? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और कौन है? एफी, पीवी, ये सब आपको याद नहीं रखने, मैं बताता हूं, कॉपर, एचजी और भी है, लास्ट में आता है एयू, ठीक है ना, एजीएयू। तो सबसे ज्यादा कौन पूछेगा? या तो पोटेशियम पूछेगा, अगर ऑप्शन में पोटेशियम नहीं है तो कौन सा होगा? सोडियम होगा। और या तो सबसे कम क्रियाशील कौन है? तो एयू होगा या तो एजी होगा, बाकी आपको इससे रिलेटेड और कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। एजी की सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? एजी की होती है। यह भी ध्यान रखना एयू के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर का लंबा वायर ड्रा किया जा सकता है, ये हमको वहां डक्टिलिटी भी बताना चाहिए पर मैं भूल गया था। एयू के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर वायर ड्रा किया जा सकता है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब आइए देखते हैं कि मेटल रिएक्शन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए मैं एक सोडियम को एक क्लोरीन को लिया, इनकी रिएक्शन, ये क्या हो गया? सोडियम, ये हो गया क्लोरीन, तो इसको क्या डाल दो? रिएक्शन ऑफ मेटल। तो सोडियम का क्या होता है? 11 होता है, क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले 2 होगा, फिर 8, 8 2 10 हो गया, 1 बचा 11। क्लोरीन क्या होगा? 2 होगा, 8 होगा, फिर आगे क्या बचेगा? होगा 7 होगा, ठीक है ना। इसमें या तो 8 हो जाए या तो 0 हो जाए, ठीक है ना। तो 0 होने के लिए इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो 2 और 8 बन जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अभी क्या है? 1 है। तो इलेक्ट्रॉन जब छोड़ेगा तो कैसे छोड़ेगा? अपने पास पॉजिटिव आयन लिया और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या तो 1 इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ले। जब 7 छोड़ेगा तो ये ऐसा होगा
और अगर सात ना छोड़ के एक ले लेगा तो ये भी ऐसा हो जाएगा। इसके लिए ज्यादा आसान क्या है, सात छोड़ना इतना आसान नहीं है। ये बोला कि एक दे दो भाई, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दानी हो गया कि मैं अपना निकाल दूंगा। ये बोला हमको दे दो तुरंत, जैसे ही बोला कि कौन लेगा भाई, ये बोला हम लेंगे। तो ये इसमें क्या हो गया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन निगेटिव हो गया। क्या हो गया, क्लोरीन निगेटिव हो गया। अब ये सोडियम इस क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, और यहां पे क्या बन जाता है, NaCl। क्या बन जाता है, NaCl। तो ऐसे कंपाउंड मैं बताना क्या चाहता हूं, ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा बनाया गया हो, बॉन्ड हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं, आयनिक बॉन्ड, अथवा इसे इलेक्ट्रिक कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक को वैलेंट कंपाउंड, और इसे क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आयनिक कंपाउंड बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो कौन कौन से हो गए, NaCl हो गया, KCl हो गया, BCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, इस तरह के अगर आपको कंपाउंड दिखे तो ये क्या कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आयनिक कंपाउंड कौन होते हैं, आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा जो कंपाउंड बनाते हैं उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं, कि कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। आयनिक बंध को आयनिक बंध, विद्युत संयोजक बंध, विद्युत सह संयोजक बंध, इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की थोड़ी सी वो देखते हैं, आयनिक बॉन्ड इसमें होता है, इसको आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड का मतलब उनके बीच में जो पकड़ है, तो वो कैसी है, आयनिक। अब आयनिक बॉन्ड की एक प्रॉपर्टीज देखते हैं, आयनिक कंपाउंड देख लेते हैं सीधे, बॉन्ड नहीं, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड पहले ये हार्ड होते हैं, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होता है, क्योंकि इनका बहुत छोटे लेवल में पकड़ होती है। तीसरा, इनमें क्या होता है कि आयनिक जब हार्ड होते हैं और स्ट्रांग होते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए ये सॉलिड की अवस्था में ये इलेक्ट्रिक के इंसुलेटर होते हैं। मतलब कि अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो विद्युत के कुशलक होंगे, किंतु जैसे ये लिक्विड स्टेज में आते हैं, जैसे ही लिक्विड स्टेज में आते हैं तो ये इलेक्ट्रिक के कंडक्टर हो जाते हैं या विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो क्या पूछा जा सकता है आपको कि किस स्टेज में आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, तो लिक्विडस स्टेज में, ठीक है ना। या लिक्विड स्टेज में इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन होता है, आपको तीन चार ऑप्शन दिया रहेगा, तो कौन होता है, आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। बाकी हो गया इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को बीपी या गलनांक, और मेल्टिंग पॉइंट को एमटी, क्योंकि ये हार्ड होते हैं स्ट्रांग होते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहां से हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी आप ये हमको जरूर बताइए, और नोट्स आप बिल्कुल बनाते रहिए, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से लिंक पे जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमारा मैथ का लेक्चर भी आने वाला है आप जल्दी ही, तो उसको भी आप एंजॉय करिए, ठीक है ना, एप्टीट्यूड का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।